ये देखो ये गाइस, ये हमारा डिम्बे मतलब बहुत की सुनसान है, बिकॉज कोरोना के वजह से अभी ज़्यादा भीड़ होती नहीं यहाँ पे। सो हे गाइस, अभी तो मैं गांव आ चुका हूँ। अभी मैंने वैक्सीन भी ले लिए आते समय ही, तो अभी देखते अंदर जाके हम फ्रेश हो जाएंगे पहले, एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके साथ। ओके तो चलिए। सो हे गाइस, कल मैं आ चुका हूँ मेरे गांव में। ये आप देख ही रहे हो, अभी ये मेरा थोड़ा गांव है। मैं आपको मेरा घर भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी हुआ क्या कि कल मैं आया था वैक्सीन लेके, तो एक दोपहर को मैं आया था मेरे गाँव में। वैक्सीन लेने के बाद मैं घर आया एंड सीधा खाना खाया, फ्रेश होके खाना खाया एंड फिर सो गया मैं। उसके बाद मैं फिर इवनिंग को उठा, तो कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी ये मेरा दूसरा दिन है एंड आज वैसे भी 9:30 बजे अभी। तो अभी आज मैं जाने वाला हूँ डिम्बे, क्योंकि एक्चुअली एक रीज़न है। मेरा जो भाई है उसका भी 10th में था वो, तो कल 10th का रिजल्ट लग गया था एंड उसको अभी 10th में वो पास हो गया। उसको 76% मिले। तो उसको मैंने बोला भाई अभी, मतलब मेरे जो गांव का भाई है वो, उसको मैंने बोला भाई अभी तो मुझे पार्टी चाहिए होगी। तो अभी वो बोले चले जाते हम, अभी हम जाने वाले डिम्बे, मतलब हमारे गांव से थोड़ा दूर है वो, एक्चुअली एक 2-3 किलोमीटर पर होगा वो। तो अभी हम जाएंगे डिम्बे, वो हमें पार्टी भी देंगे एंड फिर कुछ मिठाई भी लेनी है हमें। गाँव को भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी। तो अभी हम जाएंगे पहले डिम्बे, चलिए फिर अभी कंटिन्यू रहे हमारे ब्लॉग में। तो गाइज, मैं आपको मेरे भाई से भी मिला था, मतलब जब भी मैं गाँव आता हूँ तो इधर कुछ भी मैं रील्स या फोटो शूट करवाता हूँ तो वही मेरे फोटो शूट एंड रील्स बनाता है। तो अभी उसके ही कल वो 10th में था, तो उसको अच्छे परसेंटेज मिलने के बाद वही पार्टी दे रहा है आप मुझे। तो मैं पहले उसको मिलाता हूँ सोने के लिए। तो ये मेरा भाई है, मुझसे भी बड़ा है देखो, मतलब मेरे से 2-3 साल छोटा है वो। ओके तो गाइज, इसको ये 10th में था एंड तुझे कितने परसेंटेज मिले? 76। तो गाइज, इसको 76% मिले एंड इसको मैंने बोला अभी यार चल पार्टी तो चाहिए हमें। ओके तो अभी हमें आज पार्टी देने के लिए अभी हम जा रहे डिम्बे, मतलब हमारी आपको पता है मैंने। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, कुछ पार्टी शार्टी भी करेंगे, मतलब पार्टी करेंगे बस। ओके एंड उसके बाद हम देखो यार, मिठाई भी लेनी है हमें, तो मिठाई भी लेंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर हम आगे का, जैसे जैसे हम अभी जाएंगे आपको मैं सब बातें दिखाने वाला हूँ। ओके तो यार ब्लॉग में कंटिन्यू रहे हमारे साथ। ओके चलिए। हे गाइस, सबसे पहले बात तो हम आए थे डिम्बे मिठाई लेने एंड कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन देख रहे हो आप दुकान ही बंद है। तो अभी हम मिठाई तो नहीं लेंगे, लेकिन देखते अभी कुछ दूसरा कुछ मिल जाता है क्या वो लेंगे एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। अभी तो जाते जाते भी आपको कुछ एक्सप्लोर करने वाला, कुछ बात करेंगे हम। तो यार ब्लॉग में कंटिन्यू रहे यार, दुकान ही बंद होगा मतलब मूड ही ऑफ होगा सबसे पहले बात। ओके चलिए। अभी तो जैसे गाइस, अभी ये मेरे जो भाई है वो अभी कुछ उनको फ्रूटी लेने, इसलिए वो फ्रूटी लेने के लिए गए अभी एंड अभी फिलहाल तो ये दुकान बंद होने के वजह से। ये देखो ये गाइस, ये हमारा डिम्बे मतलब बहुत की सुनसान है, बिकॉज कोरोना के वजह से अभी ज़्यादा भीड़ होती नहीं यहाँ पे। एंड इन जो दुकान है गाइस, यहाँ पे मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है एंड यहाँ पे मिसल भी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब सुबह जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो इधर खाई की जाती हम इस दुकान में। तो यार अभी देखो, मतलब पूरा मतलब बंद होने के वजह से अभी ये दुकान ही बंद हो गया है। तो चलिए अभी कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ खाने के लिए लिया है मेरे ख्याल से फ्रूटी और वो।
तो अभी चलिए अभी हम जाएंगे, अभी मेरे और एक दुकान भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे हम कुछ नारियल लेने वाले भगवान को चढ़ाने के लिए। सो गाइस, अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है पार्टी करने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिठाई तो मिली नहीं। लेकिन ये देखो सोनू, आप लिपि दाखो बहुत पार्टी करेंगे अभी हम यहाँ पे, मज़ा आएगा गाइस गांव में आने के बाद अभी हम पार्टी करेंगे। ओके तो अभी चलिए अभी देखते, अभी तो हम जाएंगे घर हमारे, आए तो गाड़ी के साथ ही आए थे, अभी हम जाएंगे पैदल। पैदल भी चलना चाहिए यार, मतलब थोड़ा बहुत गांव भी एक्सप्लोर हो जाएगा ना गाइस। तो देखो अभी मतलब पूरा ग्रीनरी, मतलब मेरे गाँव में यार, मतलब ये तो पूरा देसी व्लॉग ही होने वाला है, सब लोग पैदल ही चल रहे हैं। बारिश के मौसम पे मतलब गांव में आने को मतलब बहुत मज़ा आता है गाइस, क्योंकि यार देखो मतलब बारिश गिरी रहती है, इसलिए मतलब पूरा ग्रीनरी हो जाता है, एंड उसके बाद फिर और मज़ा आता है। वैसे समर में जब हम आते हैं, मतलब गर्मी की छुट्टी में, मतलब बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, मन ही नहीं करता आने का। गाड़ी चल रही है ना दूर से, इसलिए मतलब बाल हो रहे हैं। आज मतलब जो मेरा भाई है ना, वो मतलब एकदम हवे में फुकट के मार्क्स मिले कोरोना की वजह से, ऐसे फ्री में पास हो गए एंड पार्टी दे रहे। चलता है यार, कोरोना इस बार बहुत सारे लोगों को लकी था, 10th के एंड ऑल्सो 12th के भी। गाइस बहुत दिनों के बाद आज वो व्लॉग बना रहा हूँ, और ऊपर से मतलब अभी थोड़ी वैक्सीन भी ली तो मैं पेन कर रहा है, हाथ को भी थोड़ा दर्द होता ही है। वैसे तो मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स तो मुझे लगे नहीं, मतलब मेरे मॉम ने भी लिया था, उसका थोड़ा मतलब दर्द कर रहे हाथ, लेकिन मेरे नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा बहुत ही पेन होता है। वैसे गाइस यहाँ पे मतलब ना, हमारे यहाँ पे एक डैम भी जिसे हम डिम्बे डैम कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जो मेरे फ्रेंड्स होगी वो वहाँ पर भी देखेंगे, मतलब जाएंगे कि नहीं आज, क्योंकि यार देखो हमारे गांव है ना, मतलब इतनी मतलब बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन देखो यार मतलब एक व्लॉग में होगा नहीं, क्योंकि मतलब फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये व्लॉग भी बहुत छोटा हो जाए, और मेरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, एंड मैं बार बार यहाँ पर आते भी रहता हूँ गाँव में, तो क्यों ना सोचा कि अभी मतलब ये जो वीडियो होने वाला एक व्लॉग जो पार्ट में आ जाए, एक ही प्लाट में पार्ट में सब कुछ मैं व्लॉग एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा सा चलते समय ज़रा थोड़ा थकान लग रही है मास्क की वजह से ना, क्या करें, लेकिन मास्क थोड़ा यहाँ पे भी पहनना थोड़ा अलाउड है, मतलब स्ट्रिक्टली है, मतलब यहाँ पे अभी गाँव में तो नहीं है, डिम्बे में था थोड़ा, वो वहाँ पे ज़रा थोड़ा पुलिस आते रहते ना इसलिए। तो वैसे तो यार मज़ा आने वाला है, फर्स्ट बार मतलब फर्स्ट टाइम मतलब कुछ बोला ही सोचा था, एक देसी ब्लॉग बनाओ। तो गाइस मतलब ये बहुत सारे मैंने बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड करा, मतलब बहुत महीनों के बाद, इसलिए थोड़ा बहुत रीच कम आ सकती यार, तो इसलिए फिर से एक बार सपोर्ट करो, क्योंकि अभी तो ब्लॉग डेली तो नहीं आने वाले, लेकिन ट्राई करूँगा कि लाता रहो कुछ भी, क्योंकि आपको मैंने बताया मुझे कुछ भी फालतू कंटेंट के अपलोड नहीं करने, अभी कुछ अच्छा कंटेंट हो जाए तो ही मैं अपलोड करूँगा, अगर मुझे मिलेंगे अच्छे कंटेंट तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ओके तो अभी सोचा था गाँव आने के बाद कुछ एक अच्छा सा ब्लॉग भी हो सकता है, एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, मतलब मेरे एक भाई भी था, उन्होंने भी मुझे बहुत सारे ये भी बताए लोकेशन की, भाई तू वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर, लेकिन अभी उसने भी बहुत सारे बताए, देखेंगे हो सका तो सब चीज़ एक्सप्लोर होगी या नहीं होगी, लेकिन ट्राई करेंगे, अगर नहीं भी हो जाए तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया, मेरा पार्ट टू भी आने वाले, हमारे बहुत सारे पार्ट में गाँव के ब्लॉग आने वाले, तो करेंगे हम फिर से शूट। ओके सब कुछ चीज़ें अगर एक ही इसमें दिखा दिया तो मज़ा नहीं आएगा ना। ओके तो अगर आपको वैसे अगर गांव के अलग अलग मतलब मेरे पार्ट के ब्लॉग आपको दिखने को मिलने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके एंड लाइक शेयर भी कर देना, देसी ब्लॉग बनाने वाला हो सब बहुत बार बहुत दिनों के बाद। ये हमारे कुछ स्कूल है गांव की 10th तक, एंड मतलब हमारे जो भी मेरे दोस्त थे वहाँ पर थे, यहाँ पर स्कूल में। अभी मतलब हाथ दुख रहा है अभी फोन उठा के पकड़ पकड़ के। यहाँ पे नीचे गाइस एक कॉरी भी है, आपको चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब वैसे भी पैदल ही जा रहा हूँ, गाड़ी से आते गाड़ी से ही जाते, कभी तो मतलब पैदल चलना चाहिए ना, तो आज घर वाले बोले जाओ पैदल जाओ आज, पूरा एकदम देखो आप ग्रीनरी हो गए, पूरा एकदम पूरा ग्रीनरी हो गए, पूरा ग्रीनरी यहाँ पे। सामने के कैमरे से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये हमारी कॉरी है यहाँ पे,
तो यही सब चीज़ है, पूरा मतलब ग्रीनरी यहाँ पे, पूरी क्वारी है यहाँ पे। अभी पूरी खाली हो चुकी है पानी के वजह से, नहीं तो पानी मतलब वहाँ तक रहता है, ये सब कुछ भरा रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे पूरी सब चीज़ें भरा रहता है यहाँ पे। हमारी गाड़ी ऐसे नीचे से जाती है वहाँ पे धोने के लिए भी, मतलब अभी थोड़ा बारिश इस बार ज़्यादा कुछ आई नहीं, जिसके चलते ये क्वारी सूख गई है, नहीं तो मतलब बहुत पानी रहता था इसमें। आपको मैं दिखाऊंगा जब फुल हो जाएगी ना, तो मैं आपको इसका और एक बार भी सीन दिखाऊंगा मेरे स्टोरी में या फिर मेरे ब्लॉग में। सब कुछ ग्रीनरी है, और ये हमारा 10th का बॉय जो कोरोना के दम पे पास हो गया है, पूरा पेपर नहीं देखे भी 76% मिले। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबा, क्या कर रहे स्टोरी रख रहे क्या? कौन सी स्टोरी रख रहे? तो अभी ये हमने कुछ पार्टी का सामान ले लिया, पार्टी का नहीं मतलब ऐसे ही इन्होंने ले लिया था घर में खाना खाने के लिए। वैसे तो अभी 2-3 दिन से पार्टी चल रही है। गाइस अभी हम जाने वाले मंदिर में, अभी वहाँ पे जाके मतलब हनुमान जी के मंदिर पे, वहाँ पे आज सैटरडे, तो मतलब घर वाले ने बोला था कि यार वहाँ पे जाके नारियल फोड़ के आओ, तो अभी वहाँ पे जाके भी नारियल फोड़ेंगे। अभी तो मतलब बहुत आगे तक जाना है, इसलिए मैं भी सब चीज़ें व्लॉग में मतलब पैदल चल के तो नहीं होगा, तो अभी चलिए आपको मैं सीधा मंदिर पर ही मिलते एंड उसके बाद फिर देखते और आगे क्या करना है। ओके तो चलिए कंटिन्यू रहे मेरे व्लॉग में एंड हाँ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके एंड मुझे बताना कि देसी व्लॉग भी कैसा है, मतलब अच्छा है या फिर कुछ और आपको चाहिए। वैसे अभी एडिटिंग में देखी जाएगा आपको कि कैसा बना ये हमारा व्लॉग, एंड अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो हम पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा हो जाए एंड फिर लोग देखना ना पसंद करें, इसलिए तो मैं शॉर्ट में बनाने वाला हूँ। फिर अभी देखते आगे होगा कैसा। तो गाइज मैं तो अभी घर आ चुका हूँ एंड हम तो अभी कुछ मंदिर में गए नहीं, कुछ रीज़न था इसके वजह से अभी हम नीचे आ गए। देखेंगे अभी इवनिंग को जाएंगे, तो जैसे अब इवनिंग को जाएंगे आपको सब चीज़ें दिखने को मिलने वाली है एंड फिर मेरे ख्याल से वहाँ पर एक ब्लॉग भी एक्सप्लोर होने वाला है मेरे ख्याल से मेरे गांव का। तो चलिए अभी देखेंगे आगे होगा क्या, तब तक मैं आपको ना मेरे गाँव का मतलब घर दिखाता हूँ मेरे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे बहुत बड़ा घर, तो ये मेरा घर है एंड और क्या मतलब है, आपको तो घर मैंने दिखा दिया। ओके तो चलिए अभी हम जाएंगे, फ्रेश होंगे अभी थोड़ा चल चल के, बहुत दिनों के बाद चला तो अभी थोड़ा पेट दुख रहे, तो अभी जाके फ्रेश हो जाएंगे एंड अभी पार्टी के लिए भी कुछ लाए तो अभी वो भी खाएंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे एंड फिर उसके बाद हम इवनिंग को देखेंगे। ओके आगे होता क्या। ओके तो स्टे ट्यून, आपको तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहो मेरा व्लॉग। ओके चलो बाय।